बात भव्य विराट विहंगम भारत मंडपम की, तो देश की पहचान दिल्ली की पहचान प्रगति मैदान भव्य विराट विहंगम भारत मंडपम। स्वागत को है तैयार भारत मंडपम। नए हिंदुस्तान का प्रगति केंद्र, देश की पहचान प्रगति मैदान 2.0। देश की पहचान प्रगति मैदान 2.0 स्वागत के लिए तैयार हो चुका है। जी मीडिया ने भव्य विराट विहंगम भारत मंडपम की एक एक तस्वीर ली, जो ग्लोबल पहचान हिंदुस्तान की शान है और भारत के विश्वगुरु बनने की नई इबारत लिख रही है। आप भी देखिए। दिल्ली की पहचान प्रगति मैदान का भारत मंडपम अब स्वागत के लिए तैयार है। नया भारत नई पहचान बनाता बढ़ रहा है, विकास पथ पर कामयाबी के निशान बनाता चढ़ रहा है और जी मीडिया आज आपको लेकर आया है भारत की प्रगति यात्रा के नए आंगन में, जिसका नाम है भारत मंडपम। वो जगह जहां भारत की मेजबानी में दुनिया में अब तक के सबसे बड़े G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन होना है। बताएंगे आपको कि किस तरीके से इसका निर्माण हुआ, कैसे यहां भारत ने अपनी प्राचीन परंपरा और आधुनिकता का संगम बनाया है। तो चलिए हमारे साथ भारत मंडपम के इस खास सफर में। भारत मंडपम ये सिर्फ एक इमारत नहीं, बल्कि नए भारत की नई पहचान है, जहां भारतीय विज्ञान और धरोहर की कथा की बखूबी व्याख्या कर रहे हैं प्रगति चक्र। 116 देशों के शौर्य गठबंधन का प्रतीक सूर्य द्वार, करीब 26 फुटबॉल मैदानों जितने बड़े इलाके में फैले प्रगति मैदान 2.0 में कुल 7 एग्जीबिशन हॉल बनाए गए हैं। देश की राजधानी दिल्ली के अंदर प्रगति मैदान की शुरुआत 1972 में हुई, यानी करीब 50 साल पहले। इस जगह ने कई बड़े आयोजनों, मेलों और एग्जीबिशंस को देखा, लेकिन बदलते भारत की जरूरत के मुताबिक अब आवश्यकता थी एक नए प्रगति मैदान की और इसीलिए जरूरत हुई प्रगति मैदान 2.0 की, जिसके लिए यहां पर एक बड़ा कन्वेंशन एग्जीबिशन कॉम्प्लेक्स तैयार किया जा रहा है। करीब 1.5 लाख वर्ग मीटर का इलाका बनकर तैयार है, यानी 26 फुटबॉल के मैदान जितना बड़ा। लेकिन अभी भी काम जारी है, क्योंकि पुराने प्रगति मैदान के हॉल नंबर 7, 8, 9, 10, 11, 12 का अभी रेनोवेशन होना है। इसके अलावा यहाँ पर होटल्स का भी बनाया जाना का काम बाकी है, जिसके लिए जमीन ईयरमार्क की जा चुकी है और भी कई फैसिलिटीज यहाँ तैयार की जा रही हैं, क्योंकि नया भारत बन रहा है, उसकी ज़रूरतें बढ़ रही हैं और उसकी ज़रूरत और रुतबे के मुताबिक फैसिलिटीज़ की ज़रूरत भी बढ़ती जा रही है। इस इंडोर परिसर में दुनिया भर के लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। आधुनिक टेक्नोलॉजी के साथ साथ शंख से प्रेरित कन्वेंशन सेंटर की इमारत पारंपरिक कलाओं और संस्कृति की झलक दे रही है। यह अपनी खूबसूरती और सुविधाओं के प्रयोग के मामले में दुनिया के बड़े बड़े और खूबसूरत कन्वेंशन सेंटरों को भी टक्कर दे रहा है। ये वो जगह है जहां पर G20 की शिखर बैठक का आयोजन होगा, यानी ये वो आयोजन स्थल है और दुनिया देखेगी कि किस तरीके से भारत इस बड़े आयोजन की मेजबानी करने जा रहा है। और इस कमरे की खासियत में यहां पर बैठे बैठे वो तमाम नेता जो हैं, वो भारत की खूबसूरती का भी एक नज़ारा जरूर देखेंगे, क्योंकि जिस कालीन के ऊपर वो चलकर यहां पर पहुंचेंगे वो उत्तर प्रदेश के भदोही से लाया गया है, इसे कारीगरों ने बनाया है यहां पर। और साथ ही यहां पर आप देखिए ये जो कालीन है, ये 12 कालीनों का एक पूरा सेट है, जिसके अंदर अलग अलग डिजाइन है, भले ही आपको एक रंग में नजर आ रहे हो, लेकिन इन तमाम देशी के साथ साथ, क्योंकि यहां पर भारत की सभ्यता, भारत की संस्कृति, भारत की परंपरा के साथ साथ विदेशी जो संस्कृति है उसका भी मेल हो रहा है। तो यहां पर एक खूबसूरत चीज जो कि ये शैंडिलियर है, और ऊपर आप नजर डाल ही रहे हैं तो जरा देख लीजिए कि यहाँ पर किस तरीके के मोटिव्स बनाए गए हैं, किस तरीके से यहाँ पे हाथी, घोड़ा, ऊंट, मोर, जो कि भारतीय निशान होते हैं, वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। कन्वेंशन सेंटर के लेवल 3 में 7,000 लोगों के बैठने की क्षमता है, जो ऑस्ट्रेलिया के फेमस सिडनी ओपेरा हाउस से भी कहीं ज्यादा है। सिडनी के ओपेरा हाउस में 5,500 लोगों के बैठने की क्षमता है,
दिल्ली के प्रगति मैदान में बनकर तैयार हुआ भारत मंडपम दुनिया के बड़े कन्वेंशन सेंटर्स में शामिल है। मेरे पीछे जो आप ये हॉल देख रहे हैं, ये इसके मेन प्लेनरी हॉल का हिस्सा है, जिसके अंदर करीब 3000 से ज्यादा लोगों के बैठने की व्यवस्था है। और साथ ही इसके पास में एक दूसरा हॉल भी है, जहां पर करीब 4000 लोग बैठ सकते हैं। यानी इसकी जो संयुक्त कैपेसिटी है वो करीब करीब 7000 लोगों की है। और इस पूरे कन्वेंशन सेंटर के अंदर करीब 10,000 से ज्यादा लोग जो हैं वो एक बार के अंदर आ सकते हैं। उनके लिए बैठने की व्यवस्था है, कंफर्टेबल व्यवस्था है। और इसको शुरू हुए अभी कुछ दिन ही हुए हैं कि यहां पर आयोजनों की लगभग फहरिस्त बनकर तैयार है। यहां पर प्रधानमंत्री के आयोजन यहां पर होने हैं, और इसके अलावा और कई आयोजन जो हैं उनके लिए भी इसे तैयार कर दिया गया है। यानी जिस माइस मंत्र की हम बात कर रहे हैं, मीटिंग, इंसेंटिव, कन्वेंशन और एग्जीबिशन, इसे भारत एक व्यापार और कारोबार के सूत्र की तरह देख रहा है, जिसके लिए बाकायदा कॉन्फ्रेंस वीजा भी इशू किए जा रहे हैं। इसमें 4 फ्लोर के साथ 24 मीटिंग रूम बनाए गए हैं। नया नवेला भारत मंडपम भारत की मेजबानी में होने वाले G20 शिखर सम्मेलन का भी आयोजन स्थल है। जाहिर तौर पर दुनिया के कई देशों के नेता यहां पर पहुंचेंगे, बहुत सारी मुलाकातें बैठकें यहां पर होनी है, और इसीलिए भारत मंडपम में बहुत सारे मीटिंग रूम्स बनाए गए। ऐसा ही एक मीटिंग रूम आप मेरे साथ यहां पर देख रहे हैं, और इस मीटिंग रूम की विशेषता यह है कि यहां पर आधुनिक साधन सुविधा के साथ साथ भारतीय परंपरा की छाप हर कोने में देखने को मिलती है। भारत के सबसे बड़े कन्वेंशन सेंटर की हॉल की दीवारें इधर से उधर शिफ्ट की जा सकती हैं। इमारत का आकार शंख से प्रेरित है। प्रदर्शनी हॉल के तौर पर यहां 7 बेहद शानदार स्थल है। सेंटर के अंदर 3000 लोगों के बैठने की क्षमता वाला एम्फीथिएटर भी है, और करीब 5500 गाड़ियों के लिए पार्किंग की भी सुविधा है। 123 एकड़ में आवाजाही के लिए सिग्नल फ्री सड़कें भी दी गई हैं। विश्व स्तर के बड़े आयोजनों के लिए इसे आधुनिक बनाया गया है। 123 एकड़ में फैले इस विशाल और भव्य कन्वेंशन सेंटर की गिनती अब दुनिया के 10 देशों के कन्वेंशन सेंटर में होगी। बीते बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिंदुस्तान की इस नई पहचान, इस इमारत का उद्घाटन कर इसे देश को सौंपा था। भारत मंडपम का यह पीएमओ विंग इस तरीके से तैयार किया गया है कि यहां प्रधानमंत्री अपनी बैठकें कर सकें। G20 का ये आयोजन स्थल है, जाहिर तौर पर प्रधानमंत्री जब यहां पर होंगे उनकी कई मुलाकातें होंगी, लेकिन यहां पर जब प्रधानमंत्री विदेशी मेहमानों के साथ मुलाकात कर रहे होंगे तो उन मेहमानों के सामने एक छवि भारतीय कला की होगी, संस्कृति की होगी, फिनिशिंग की भी होगी, और उसी का नमूना यहां पर देखने को मिलता है। जो कालीन आप फर्श पर बिछा हुआ देख रहे हैं, ये उत्तर प्रदेश के भदोही के कारीगरों की निशानी है। साथ ही फर्नीचर भी मेक इन इंडिया, यहां की कील से लेकर फर्नीचर की हर चीज मेक इन इंडिया की छाप छोड़ती है। अब भारत की ये नई इमारत दुनिया भर में नई इमारत गढ़ रही है। दिल्ली से संवाददाता प्रणय उपाध्याय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।